एवरीवन, वेलकम टू बी यूनिक। माय नेम इज रूपम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इजी, सिंपल एंड इफेक्टिव हेयर मास्क जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल है। और आज का ये हेयर मास्क स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बाल उम्र से पहले सफेद हो गया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने कर लिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर नहीं किया तो अब भी कर लो जो कि है बिल्कुल फ्री, और हिट कर लो बेल आइकॉन को जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो लेट्स चेक द वीडियो। DIY हेयर पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ तुलसी की पत्ती, और इसके गुण तो सभी जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो तुलसी की पत्ती हमारे बालों को झड़ने से रोकती है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिससे ये बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। और मेरा जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है मेहंदी की पत्ती, और अगर आप इसके पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ये उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको दुगना फ़ायदा होगा। मेहंदी बालों को झड़ने से और बालों के डैंड्रफ को दूर करता है, और ये बालों को कंडीशनिंग भी करता है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते ये आप तो ये आपके बालों को काला, घना और मजबूत बनाता है। एंड मेरा जो लास्ट इन्ग्रीडियंट है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो बालों को डैमेज होने से बचाता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस लूँगी। जितने भी मैंने इसमें पत्ते ऐड किए हैं आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस DIY हेयर पैक को मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसके भी बाल के प्रॉब्लम है उससे दूर करेगा। तो मैं इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस के आपको इसका पेस्ट बना के दिखाती हूँ। पेस्ट बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है, और अब मैं इसकी बेनिफिट प्रॉपर्टी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल। ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है। तो इतना सा ऑलिव ऑयल। एंड सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। ये भी बालों को सॉफ्ट एंड साइन बनाता है और बालों को मजबूत करता है। तो मैं इसमें इतना सा कैस्टर ऑयल भी मिक्स करूँगी। एंड लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। ये बालों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों के लेंथ को भी बढ़ाता है। तो मैं इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे अपने बालों पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। तो मेरा जो हेयर मास्क है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको अपने बालों पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। और इसे लगाने से पहले आप अपना कोई पुराना टॉप या टी शर्ट चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसे लगाने से आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। और कोई भी हेयर मास्क लगाने से पहले हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा बाल बिल्कुल भी क्लीन हो। और अभी आप मेरे फेस पर बिल्कुल भी माइंड मत करना, क्योंकि मैंने अपने फेस पर अभी कुछ भी नहीं लगाया है और मैं अभी नहाने वाली हूँ। सो अब मैं आपको इसे अपने हेयर पर लगा के दिखा। तो मैं अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शन में कर लूंगी इस तरह से, और इस तरह से पूरे अपने हेयर पे इसे अप्लाई कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हेयर पे पूरे अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया, और अब मैं इसे आधे घंटे तक अपने बाल पे रहने दूंगी, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करके आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया, और आप देख सकते हैं मेरा बाल कितना ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्मूथ लग रहा है। तो आप इस पैक को वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और 1 मंथ तक यूज़ करने के बाद आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।